তোমার? শান্ত শান্ত, কোথায় বাড়ি? কাছে এসো, কাছে এসো, কিছু হবো না, কাছে এসো না। দেখলে বাংলাদেশি নাকি? তুমি কি বাংলাদেশি? হ্যাঁ। আমরা ইন্ডিয়ান। হ্যালো হ্যালো, কি নাম? শান্ত। लेके जाऊंगी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यानी कि डालू। डालू से थोड़ा आगे जाने की भी कोशिश करूंगी, देखती हूँ जा सकती हूँ कि नहीं। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ बने रहिए और चलिए मेरे साथ देखने के लिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। गाइस, अभी हम लोग तुरा टाउन से थोड़ा आगे आ चुके हैं क्योंकि हम लोग को बहुत जोर से भूख लग रही थी। हम लोग घर से सुबह 6:30 बजे निकले थे और कुछ खा के नहीं आया था, तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी उतर के थोड़ा कुछ खा लिया। अभी हम लोग डालू के लिए निकल रहे हैं। सो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ बने। तो गाइस, लगभग हम लोग डालू पहुंचने वाला है। ये देखिए, ये कामाख्या टेम्पल है। इसका मतलब एक अद्भुत बात है, यहाँ का जो पुजारी है ये गारो है। कितना अद्भुत है ना, सुन के एकदम मतलब मन खुश हो गया। गारो भी मतलब पूजा करते हैं। अभी हम लोग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में है। यहाँ पे एक अंकल है जो हम लोग को घुमा ले, बॉर्डर तक घुमाने के लिए लेके जाएगा। वो मेरा पापा का जान पहचान है। आप लोग देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल है डालू का, जो लिखा हुआ है डालू वेस्ट गारो हिल्स। तो चलिए आगे भी चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग 0 पॉइंट में जा रहे हैं। आप लोग अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग 0 पॉइंट में है और ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर के उस तरफ बांग्लादेश है और हम लोग इंडिया में है। मैं कोशिश करूंगी आप लोग को पूरा दिखाने के लिए, सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। यहाँ चारों तरफ BSF की ड्यूटी है दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी रोकना मना है। फिर भी गाइस, मैं कोशिश करूंगी आप लोग को पूरा नज़ारा दिखा सकूँ, इसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ये BSF का चेक गेट है और हम लोग BSF चेक गेट के अंदर से जा रहे हैं। गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, ये इधर से डिवाइड किया हुआ है। उधर से आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, उधर से बांग्लादेशी घर भी है। रोड अभी बंद करके रखा हुआ है क्योंकि आगे में एलिफेंट निकला हुआ है। देखती हूँ कब तक रोड खुलते हैं और कब तक हम लोग को जाने देते हैं। तो आप लोग सो गाइस, गेट खुलने में लेट होगा क्योंकि उधर में बहुत सारा एलिफेंट निकला हुआ है। हम लोग के साथ जो अंकल थे वो हम लोग को दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग बॉर्डर में ही हैं। यहाँ पे एक जान पहचान गारो का घर है, हम लोग को बुलाया हुआ है। सो हम लोग जा रहे हैं वो लोग का घर में। और यहाँ से 500 मीटर दूरी में बॉर्डर है, इधर से है। तो चलिए चलते हैं वो लोग का घर में। गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ये तो दीदी है, मेरे साथ बहुत टाइम से बात कर रही है। हाय बोल, हाय हाय, ये लोग के साथ बात करके बहुत मजा आया और थोड़ा बहुत बात करते हैं। हाँ, आप यहाँ से कितना दूर में है? दूर ज्यादा, आधा घंटा। ऐसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा ना? ऐसे जा सकता है? अच्छा अच्छा, ऐसे जा सकते हैं। इंडिया का ना? अच्छा, उधर में मतलब बांग्लादेशी घर भी है क्या? है। पास में है क्या? अच्छा अच्छा, बांग्लादेश का घर टाइम देता है। अच्छा अच्छा, गाइस इधर से हाफ किलोमीटर आगे में है, हम लोग बांग्लादेश जा सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं। देखो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ये लोग हम लोग को थोड़ा बहुत चाय नाश्ता दिया है। सो हम लोग थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लेते हैं। बाय 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 बाय। ठीक है भैया, लोग खाते हैं।
सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये एक सेट गेट है, यहाँ से कोयला एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे वीडियो करना सख माना है, इसलिए मैं छुप छुप करके थोड़ा बहुत वीडियो किया आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप लोग देखिए, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं रास्ते के उस पार में बांग्लादेश है और उधर में बांग्लादेशी जो आदमी है वो लोग खेती कर रहा है, हम लोग को दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? उधर में बांग्लादेशी गाय भी है, देखिए आप लोग। वो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा बांग्लादेशी बच्चा है, उसको बात करने की कोशिश करती हूँ। इधर कैसे हो, इधर कैसे हो? की नाम तुम्हार? शांत। शांत कुठे बड़ी? कैसे ऐसो, कैसे ऐसो, किचो बना, कैसे ऐसो? ना। किचो बांग्लादेशी नहीं? तुम्हें की बांग्लादेशी? हाँ। आह, हमारे इंडियन। हेलो हेलो। की नाम? शांत। শান্ত এখানে শান্ত কি স্বাগত হয়েছেন শান্ত কি করো এখানে তুমি পড়াশোনা করি তাই নাকি এগুলো কি খেতি করছো তোমরা এডি হ্যাঁ তুমি বেঙ্গলি মানুষ বেঙ্গলি মানুষ তুমি বেঙ্গলি না কি বাঙাল বাঙাল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাড়ি কে এখানে ইস্টিকারটা দেখি এখানে কি লেখা আছে তোমার স্কুল স্কুল কি স্কুল কেজি স্কুল কেজি স্কুল কড়াইতলি মডেল একাডেমি बांग्लादेशी के साथ बात कर सकूंगी। आप लोग आने से यहाँ पे कोशिश मत कीजिएगा बात करने के लिए, क्योंकि BSF अगर आप लोग को देख लेगा तब पकड़ के रख देगा। हम लोग बांग्लादेश में है, आप लोग देख सकते हैं रास्ते के उस साइड में बांग्लादेश है, उधर में बांग्लादेश घर भी दिखाई देते है, आप लोग को झूम करके दिखाती हूँ, दिखाई दे रहा है ना? गाइस गेट के उस पर जाने का परमिशन नहीं है, फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ बांग्लादेश। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये व्हाइट व्हाइट कलर का छोटा छोटा पिलर है, ये इंडिया का पिलर है और उस तरफ बांग्लादेश है। आप लोग देख सकते हैं हरा भरा जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये लोग खेती करके रखा हुआ है, ये लोग मतलब थोड़ा सा भी मिट्टी नहीं छोड़ा, एकदम मतलब बॉर्डर तक मतलब खेती किया हुआ है। सच्चे में दोस्तों एकदम इंजॉयबल मोमेंट है, मेरा तो मन बहुत खुश हो गया। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर से खेती करके रखा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? घर में छोटा छोटा आदमी भी दिखाई दे रहा है और वो व्हाइट व्हाइट छोटा छोटा पिलर भी है, आप लोग देखिए। गाइस मैं हूँ इंडिया में और इंडिया से बांग्लादेश कितना नज़दीक से दिखाई दे रहे हैं, सच्ची में दोस्तों एकदम इंजॉयबल मोमेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। गाइस अगर मेरे पास परमिशन होती तो मैं सीमा के उस पर जाके जरूर आप लोग के लिए ब्लॉग बनाती, लेकिन क्या करूँ मेरे पास कोई परमिशन नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम लोग गाड़ी रुका भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम गाड़ी रुकाने से BSF का जो आदमी लोग है वो लोग को गुस्सा आ जाता है और तो वीडियो करना तो सख मना है, फिर भी मैं आप लोग के लिए चुप चुप करके वीडियो कर रही हूँ। सो गाइस अभी मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट जगह में लेके जाऊंगी। एक्चुअली 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था वहाँ पे मैं आप लोग को लेके जाऊंगी। सो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ बने रहिए। अभी हम लोग इंडिया बांग्लादेश मेन बॉर्डर में हैं, आप लोग देख सकते हैं ये है मेन बॉर्डर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग ने अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया। अभी थोड़ा बहुत आगे हम लोग को जाने देगा, यहाँ पे वार मेमोरियल है, आप लोग देख सकते हैं ये वार मेमोरियल है, तो ये वार मेमोरियल हम लोग को देखने के लिए जाने के लिए परमिशन दे दिया, तो चलिए देखते हैं वार मेमोरियल। तो गाइस अभी मैं आप लोग को वार मेमोरियल दिखाने के लिए लेके चलते हैं।
सो गाइस इस मेमोरियल वॉल में लिखा हुआ है 25 मई 1971 के दिन असम राज्य में उस समय की भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानों ने सीमा सुरक्षा बल की दो कैंप दालू एवं किलापड़ा पर हमला कर दिया। पाकिस्तान सेना की दो कंपनियों ने जिसमें 100 से अधिक पाकिस्तान सैनिक थे बुधाई नदी के पार से इन दोनों सीमा चौकियों पर हमला किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने श्री बी एस त्यागी कंपनी कमांडर के लीडरशिप में मोर्चा संभाला और बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया, परंतु संख्या में कम होने के कारण आमने सामने की लड़ाई में इस सीमा चौकी के 9 जवान बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष में शहीद हो गए। उन सभी को बहादुरी के इस कार्य की खातिर वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस एवं फायर सर्विस पदक से सम्मानित किया गया। सो ये मेमोरियल वॉर उन वीर शहीदों की अनफॉरगेटेबल यादगार में बनाया गया है। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये जो नदी दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये बांग्लादेशी का है, ये बांग्लादेश का नदी है और मैं हूँ इंडिया में, देख सकते हैं आप लोग, अद्भुत है, अद्भुत मतलब बांग्लादेश इंडिया एक साथ में है लेकिन फिर भी हम लोग रस्ते के उस पर मतलब बांग्लादेश में नहीं जा सकते क्योंकि जाना वहाँ पे मना है। आप लोग देख सकते हैं उधर से बांग्लादेशी घर दिखाई दे रहा है, मैं आप लोग को जूम करके दिखाती हूँ। आइए गाइस आप लोग देख सकते हैं एक बांग्लादेशी भैया है, उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। आप बांग्लादेश का हो क्या? क्या करने आया यहाँ पे? बाजार में थोड़ा पास में आइए। भैया भी आने के लिए डरता है क्योंकि उसको उन लोग को भी इधर आना माना है। गाइस देख सकती है ये एक बांग्लादेशी भैया है, हाय बोल दीजिए। आपका घर किधर है? पास में है, आप लोग को इधर आने नहीं देते है, आप लोग नहीं आते यहाँ पे। अच्छा अच्छा लगा आपको मिलके, बात करके अच्छा लगा। हम लोग असम से है, असम ग्वालपरा। देखा बांग्लादेशी भैया है, बाय बाय। गाइस आप लोग देख सकते हैं दो बांग्लादेशी भैया उधर की तो बहुत दूर से हेलो बोल रहा है। हेलो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कैसा लगा आप लोग को वॉर मेमोरियल देख के कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ मिलने से आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप। सो गाइस इस बॉर्डर का नाम किलापड़ा बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप बॉर्डर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन बोर्ड में लिखा हुआ है, ये है इंडिया बांग्लादेश का मेन बॉर्डर है, इस साइड में बांग्लादेश है और यहाँ पे इंडिया है और इधर में जो मतलब ये लोग खेती करके रखा है, इधर में आप लोग गाय भी देख सकते हैं, ये सब बांग्लादेश का है और हम लोग इंडिया में हैं। कम आर यू बांग्लादेशी? I'm Indian from Assam. Yes. आप लोग देख सकते हैं ये लोग बांग्लादेशी है, थोड़ा बहुत बात किया हम लोग। उधर देख सकते हैं ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है, कितना अच्छा लग रहा है सच्ची में दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। उधर में बांग्लादेशी और हम लोग इंडियन। ये लोग से बात करना मना है, पता नहीं क्यों मना है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बात कर लिया। गाइस आप
लोग देख सकते हैं ये एक खेती करके रखा है बांग्लादेशी आदमी लोग, और ये बांग्लादेशी का घर है आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखा देती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे तो चार जन भैया खड़ा हुआ है, ये लोग हम लोग से बात करना चाह रहा है लेकिन बात करने के लिए मना कर रहा है। और जो भी ये सब आदमी लोग हैं उन लोग बोला है ये लोग से बात मत करना, पता नहीं क्यों, फिर भी मुझे तो बात करने को बहुत इच्छा है लेकिन मना कर दिया, क्या करूँ, उपाय नहीं है। मैं आप लोग को झूम करके दिखाती हूँ ये लोग को। क्या ओके वीजा और पासपोर्ट बना के आ जाऊंगी, आप लोग भी आइएगा इंडिया में घूमने के लिए, ठीक है, ओके बाय बाय। देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा ट्रक गाड़ी रुका हुआ है। एक्चुअली ये इंडिया से बांग्लादेश में जाएगा, यहाँ से मतलब जो पत्थर है वो एक्सपोर्ट करता है, वो रात को ये गेट खोल देगा, मेन जो गेट है खोल देगा, और यहाँ से मतलब इंडिया से बांग्लादेश ये पत्थर वगैरह जाएगा। सो गाइस अभी लगभग शाम हो चुके हैं और हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। आप लोग रास्ते का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, सरोवर हर लोग जाते जाते रास्ते में थोड़ा बहुत रुका दिया। आप लोग व्यू देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू है, ये इधर में इंडिया है और इधर में बांग्लादेश है, और मैं हूँ बीच में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में हूँ। देखिए गाइस लगभग अभी शाम हो चुके हैं और मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ। मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोग को इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर घूमने, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।